उनको एसिंक टास्क का यूज़ करके बैकग्राउंड में रन करवा सकते हैं। अदरवाइज दूसरे भी विकल्प मैंने आपको कल बताया कि भाई हम जो हमने जावा का मैकेनिज्म हमने कोर जावा के वक्त पढ़ा है, वी कैन क्रिएट थ्रेड्स बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, तो वो भी हमने कल देखा। लेकिन ये एसिंक टास्क क्लास उसी मकसद से बनाया गया है कि आप प्रॉपरली डिफाइन कर सको वो टास्क जो आप बैकग्राउंड में रन करवाना चाहते हो। तो एसिंक टास्क खुद एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसे यूज़ करने के लिए आपको उसे एक्सटेंड करके नया क्लास बनाना पड़ता है और उसमें कुछ मेथड्स ओवर एड करनी होती है, डू इन बैकग्राउंड, ऑन प्री एग्जीक्यूट, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, पब्लिश, ऑन प्रोग्रेस अपडेट, ठीक है ना। इसमें से एक मेथड कंपलसरी है और वो कौन सी है, डू इन बैकग्राउंड। जब मतलब आप अपना टास्क एग्जीक्यूट करवाओगे तो जो टास्क आपको बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट करवाना है वो कहाँ पे लिखते हो आप, डू इन बैकग्राउंड में। और जब आप क्लास डिफाइन करते हो तो क्लास के साथ आप पैरामीटर भी डिफाइन करते हो कि इस क्लास में जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो, क्योंकि ये क्लास जेनरिक क्लास है, किसी भी टाइप के पैरामीटर्स के साथ वो काम करता है। तो डू इन बैकग्राउंड को कुछ आप पैरामीटर पास करना चाहते हो, उसमें से रिटर्न कुछ करवाना चाहते हो, जो पब्लिश करवाना चाहते हो पीरियोडिकली, अगर कुछ पब्लिश करवाना चाहते हो रिजल्ट, तो वो कौन से टाइप का होगा। इन सभी चीज़ों के लिए हमें जब क्लास बनाते हैं तो हमें वो मेंशन करना रहता है कि कौन से टाइप का इसमें पैरामीटर्स रहेंगे। तो अब हम जो आज करने वाले हैं वो क्या है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, वी हैव डिस्कस एसक्यूलाइट डेटाबेस, ठीक है। एसक्यूलाइट डेटाबेस हमने डिस्कस किया है और हम देख चुके हैं कि भाई किस तरह से हम लोकल डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो एसक्यूलाइट का यूज़ करके हमने लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की थी। माय स्क्रीन इज विजिबल, एंड्रॉइड स्टूडियो। यस सर, ओके, तो अब हमें क्या करना है कि जो डेटाबेस है ना अपना, वो रिमोट सर्वर पे है, रिमोट डेटाबेस है, उसके साथ कनेक्टिविटी करनी है। काफ़ी अलग अलग प्रकार के ऐसे डेटाबेस हो सकते हैं। हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, ज़ैम्प का डेटाबेस, ठीक है। हम जो ये ज़ैम्प यूज़ करते हैं ना, माई एसक्यूएल, उसका डेटाबेस हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो देखो ये मैंने एक डेटाबेस बना के रखा है यहाँ पे पीएचपी माय एडमिन में। आप जानते हो उसे कैसे बनाना है डेटाबेस को, और उसमें टेबल्स भी कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता है। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस बना के रखा है, एनजेएस एमटीआई, और इस एनजेएस एमटीआई डेटाबेस के अंदर एक टेबल भी मैंने बना के रखा है प्लेयर। शायद आपको याद हो कि ये वही टेबल है कि जो हमने सावलेट से कनेक्टिविटी की थी जेडीबीसी का यूज़ करके, तब एक्सेस किया था, वही टेबल है। अब ये मेरा माई एसक्यूएल का टेबल हम एंड्रॉयड में एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब कि ये जो रिकॉर्ड्स है उसे हम एंड्रॉयड में एक्सेस करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, वी नीड टू हैव टू यूज रिमोट डेटाबेस फ्रॉम अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वी नीड टू यूज अ वेब सर्विस। हमें वेब सर्विस का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में जो कोड होगा वो डायरेक्टली माई एसक्यूएल से डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि किसी वेब सर्विस का यूज़ करके हम वेब सर्विस को रिक्वेस्ट करेंगे और वो वेब सर्विस अपने को डेटा रिटर्न करेगी, वो डेटा फिर हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली जैसा कि मैंने कहा कि हमें अभी क्या करना है कि वो रिकॉर्ड्स जो अभी मैंने बताया आपको टेबल की, वो हमें एक्सेस करना है अपनी एप्लीकेशन में, तो हम वेब सर्विस का यूज़ करेंगे। और वो वेब सर्विस जो होगी वो क्या करेगी, वो टेबल से रिकॉर्ड्स फैच करेगी। तो जनरली हम यहाँ पे जो वेब सर्विस यूज़ करेंगे, एक्चुअली वो हम बनाएंगे, हम वेब सर्विस बनाएंगे पीएचपी में, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें पता है कि इस इन इन रिकॉर्ड्स को
इन रिकॉर्ड्स को अगर मुझे पीएचपी में फेच करवाना हो तो कैसे कर सकते हैं वो मुझे पता है, हम पीएचपी जानते हैं, इसलिए तो हम एक वेब सर्विस बना सकते हैं पीएचपी में, फिर उस वेब सर्विस को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी में आप वेब सर्विस बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम एक वेब सर्विस बनाएंगे कि जो हमें ये रिकॉर्ड्स रिटर्न करें। तो देखो, हम एक्चुअली डेटाबेस कनेक्टिविटी पीएचपी में जानते हैं, है ना। तो हम पीएचपी का कोड इस तरह से लिखते हैं, और पीएचपी में हम क्या करते हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए, देखो हम, मेरे पास कोड है, मैं आपको वहीं बताता हूँ। देखो, हम इस तरह का कुछ लिखते हैं, ठीक है। पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, सपोज कि सर्वर नेम दैट इज लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट है, पासवर्ड इज एम्प्टी एंड डेटाबेस इज NJSMTI। मैंने अभी जो बताया ना आपको, डेटाबेस कौन सा, ये अपना NJSMTI, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं सर्वर के साथ, डेटाबेस सर्वर के साथ। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये हमने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू MySQLi, और फिर हमने उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी, सर्वर का नाम, फिर यूज़र नाम, यूज़र का नाम, पासवर्ड, और फिर डेटाबेस का नेम, ठीक है। और जब हम इस तरह से कनेक्टिविटी करते हैं तो हमें चेक भी करना चाहिए कि क्या ये कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम इस तरह से कंडीशन लिखते हैं, इफ कनेक्शन कनेक्ट एरर। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर कनेक्टिविटी के वक्त कोई एरर आई है तो हम इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करेंगे डाई फंक्शन के द्वारा, और उसमें उस एरर को कि जो जनरेट हुई है उस एरर को हम शो करेंगे, ठीक है। फिर अगर एरर नहीं आई है तो फिर हम क्या करते हैं, हमें क्वेरी करनी है, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, फिर हमें क्वेरी करनी है। तो हम क्वेरी एक वेरिएबल में इस तरह से लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज प्लेयर्स, और फिर हम क्या करते हैं, फिर इस क्वेरी को हम फायर करते हैं। कैसे फायर करते हैं, MySQLi_query, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम। पहली आर्ग्यूमेंट कनेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल, दूसरी आर्ग्यूमेंट हमारी क्वेरी, ठीक है। और जब हम इस तरह से ये क्वेरी फायर करेंगे तो हमें रिटर्न मिलेगा रिजल्ट। तो वो हम एक वेरिएबल में सपोज लेते हैं, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू MySQLi_query। अब हमने ये पिछले समय में भी डिस्कस किया था, हमने देख चुके हैं कि भाई ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ये सभी रिकॉर्ड्स होंगे। अब इन रिकॉर्ड्स को हम बारी बारी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे रो इक्वल टू फेच एसोसिएट, क्या लिखते थे हम, DB फेच एसोसिएट, MySQLi फेच एसोसिएट, रो इक्वल टू MySQLi फेच एसोसिएट रिजल्ट। तो ये क्या होगा कि अपने को एक रो मिलेगी, और वो रो किस में आ जाएगी, इस वेरिएबल में, रो में, ठीक है। MySQLi_fetch_associate_result। एक्चुअली रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में इस क्वेरी के रन होने से जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वो रिजल्ट में है, उसमें से हम एक रो को फैच कर रहे हैं, और उसको हमने किस में स्टोर कर दिया, रो वेरिएबल में। अब मैं सपोज अगर इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, वनस हो गई है या जाग रही है, इको, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करता हूँ रो इक्वल टू, वरना आपको अगर तबीयत ठीक नहीं है तो यू कैन रेस्ट, आप आराम कर सकते हो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो। सपोज कि मैं इस तरह से रो डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि जब हम इस तरह से इस रो को डिस्प्ले करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, किसी को याद है? ये एक रिकॉर्ड मैंने, पहला रिकॉर्ड मैंने इसमें ले लिया रो में, ठीक है। वो रिकॉर्ड कौन सा होगा, ये सचिन वाला, ठीक है।
और फिर जब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो डिस्प्ले क्या होगा? देखो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ इस फाइल को। मुझे ज़ैम्प में, मेरा ज़ैम्प है ई ड्राइव में, ई ड्राइव में ज़ैम्प है, वहाँ पे मैंने एच टी डॉक्स के अंदर एक फोल्डर बनाया है एंड्रॉयड, एच टी डॉक्स के अंदर। इस एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, प्लेयर्स, फिर टाइप पी एच पी, प्लेयर्स डॉट पी एच पी, ठीक है। चलिए अब इसको रन करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। players.php, तो देखो यहाँ पे एरर आई। एरर क्यों आई? क्योंकि जब हमने ये लिखा रो इक्वल टू दिस थिंग, तो यहाँ से एक रिकॉर्ड एरे स्वरूप में अपने को मिलेगा, और वो एरे किस में आ जाएगा? रो में। तो रो एक्चुअली कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, रो में पूरा एरे का एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट खुद एक एरे है। मतलब हर रिकॉर्ड एक एरे बन के अपने को मिलेगा इस मेथड के जरिए। तो पहला रिकॉर्ड का पूरा एरे बनकर अपने को इस रो वेरिएबल में मिला है, कि जो एसोसिएटिव एरे है, उसमें से अगर हमें कोई डेटा चाहिए तो हमें क्या लिखना पड़ता है? कॉलम का नाम लिखना पड़ता है या इंडेक्स, आईडी, पीनेम। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ सपोज इंडेक्स पीनेम, तो अब क्या होगा कि पहले रिकॉर्ड का नाम डिस्प्ले होगा, ठीक है, सचिन। अब हमें सपोज कि सभी रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, तो हम क्या लिखते हैं? वाइल लूप में लिखते हैं वाइल रो इक्वल टू फेच एसोसिएट, और फिर उसके अंदर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, तो सभी रिकॉर्ड्स से अपने को नाम मिलकर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, रो नहीं नेम, ठीक है। तो ये सभी रिकॉर्ड्स इस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मली टेक्स्ट, कुछ फॉर्मेटिंग नहीं किया हमने, टेक्स्ट फॉर्मेट में पूरा डेटा आ गया, सभी रिकॉर्ड्स आ गए पीएचपी के जरिए। एंड फाइनली वी कैन आल्सो क्लोज द कनेक्शन। ठीक है, अब देखो अब ये हमारा एक PHP का प्रोग्राम हुआ, PHP की फाइल हुई, कि जो अपने को रिटर्न क्या करती है, इस तरह का रिजल्ट। अभी ब्राउजर पे वो जा रहा है, ब्राउजर पे इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी हमने रन इसको ब्राउजर से करवाया है, तो ये रिजल्ट भी कहाँ पे देगा? ब्राउजर पे। लेकिन देता क्या है ये? इस तरह का कुछ डेटा देता है, देखो इस तरह का। ये उसका आउटपुट है इस फॉर्मेट का, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट अगर सपोज हमने ये वेब सर्विस बना ली और एंड्रॉइड से हमने इसको यूज किया, तो इस तरह का डेटा अपने को वहां पे एंड्रॉइड में मिलेगा, और फिर हमें उसमें से नेम्स को एक्सेस करने के लिए हर लाइन में शुरू में जो इतना है डेटा उसको निकाल के ये चीज हमें करनी होगी, पार्सिंग करना होगा। ये पूरा डेटा अपने को मिलेगा एंड्रॉइड में, उसमें से नाम अपने को निकाल कर एक्सेस करने होंगे, डिस्प्ले करने होंगे, जो भी करना है करने होंगे। तो यहाँ पे इस तरह का डेटा कि जो वेब सर्विस से आता है उसको, देखो डेटा आता है वेब से, वेब सर्विस से, तो वो वेब ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के डेटा को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए यहाँ पे अपने को जेसन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन। और जेसन के ऑब्जेक्ट्स की जो काफी प्रचलित है वेब कंपोनेंट में, जब आपको एक जगह से दूसरे जगह पे ऑब्जेक्ट्स मूव करने होते हैं वेब पे, तो आप जेसन फॉर्म में उसको इजीली मूव कर सकते हो। इट इज नोटेशन विच इज मोस्टली एक्सेप्टेबल बाई ऑल दी लैंग्वेजेस, तो जेसन काफी प्रख्यात है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है कि जो इस फॉर्म में आ रहा है उसको हम इस फॉर्मेट के बजाय जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजे, और एंड्रॉइड में जब अपने को वो जेसन डेटा मिलता है तो एंड्रॉइड में भी जेसन एपीआई है, एंड्रॉइड में भी ऐसे क्लासेस है कि जिसके जरिए हम जेसन के डेटा में से, जेसन के ऑब्जेक्ट में से डेटा निकाल सकते हैं।
तो पहले थोड़ा आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज जेसन। सो इट स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एंड इट इज यूज फॉर डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना, जो अपना मकसद है। वी यूज जेसन बिकॉज फॉर मशीन्स वी नीड अ वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट टू रीड द डेटा एज द कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एज ह्यूमन एंड मशीन नीड अ फिक्स स्ट्रक्चर सो दैट इट कैन बी प्रोग्राम। सो हम यहाँ पे जेसन का यूज करते हैं। देखो जेसन का ऑब्जेक्ट होता है ना वो कैसा दिखता है, देखो यहाँ पे ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जेसन के ऑब्जेक्ट का। ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया और ये पूरा ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है ना वो पेयर में है, पेयर नेम वैल्यू। देखो यहाँ पे नेम है, ये वैल्यू है, ये नेम है, ये वैल्यू है। ये एक छोटा सा जेसन ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल। अब जेसन ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह से जेसन एरे भी होता है। कैसा, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया आपने और उसके अंदर जो भी लिखा, तो ये देखो हर एलिमेंट के बीच में कोमा से वो सेपरेट होगा। तो ये इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है ये जेसन एरे है। आया समझ में? ये जेसन ऑब्जेक्ट और ये जेसन एरे। तो आप ऐसा जेसन एरे भी बना सकते हो कि जिसके अंदर हर एलिमेंट ऑब्जेक्ट हो। ये एरे है जिसका हर एलिमेंट एक स्ट्रिंग है ना। लेकिन ऐसा एरे भी हो सकता है, देखो ये जेसन एरे का दूसरा एग्जाम्पल। ये पूरा एरे है और उसका हर एलिमेंट, एरे का हर एलिमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी सारी पेयर्स है। देखो नेम की और उसकी वैल्यू ये एड्रेस की और उसकी वैल्यू, हर ऑब्जेक्ट में देखो ये चीज़ है। तो हम भी जो डेटा फेच करना चाहते हैं वो भी कुछ इसी तरह का है ना। सपोज कि 10 प्लेयर्स है, जितने भी प्लेयर्स हो, प्लेयर्स के नाम, उनकी कंट्री, उनके रन्स, उनके मैचेस, ये सब क्या है, हर प्लेयर में होने वाला है ये। तो हर प्लेयर के लिए हम एक एरे बना के, क्योंकि देखो अभी जब हमने कोड लिखा था ना पीएचपी का, तो यही चीज़ है ना। ये अपने को रो में क्या मिलता था, अपने को रो में मिलता है एरे, एरे ही मिलता है। तो उस एरे को हम यहाँ पे एरे को ऐसे डिस्प्ले कर दें जेसन के ऑब्जेक्ट के जरिए, तो क्या होगा, वो ऐसे जेसन डिस्प्ले होगा तो वो हम इजीली एंड्रॉयड में उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ से जो डेटा इको कर रहे हैं वो इस तरह से नहीं करना है, वो एज ए जेसन ऑब्जेक्ट दिखाई दे ऐसा करना है। तो ये जो अपना आउटपुट है वो हम इस तरह से डिस्प्ले नहीं करेंगे। एक्चुअली हम यहाँ पे एक एरे बना लेंगे, सपोज प्लेयर्स इक्वल टू एरे। अब वो एम्प्टी एरे बन गया और हर बार जब अपने को एक रो मिलेगी तो उस रो को हम एरे में पुट करते जाएंगे। कौन से एरे में? प्लेयर्स में, ठीक है। और फाइनली जब हम डिस्प्ले करेंगे तो इस एरे को डिस्प्ले करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले करूँ प्लेयर्स ऑफ ज़ीरो, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन ऑनलाइन 24, ये यहाँ पे प्लेयर्स ऑफ ज़ीरो में, तो हाँ यहाँ पे तो प्लेयर्स ऑफ ज़ीरो। अच्छा फिर उसमें भी हमें वो करना पड़ेगा ना इस तरह का पी नेम, क्योंकि वो एरे ऑफ एरे है ना, ठीक है। अब ये एक्चुअली हमने तो ये इको कर दिया, लेकिन हमें तो क्या करना है, उसको एज ए जेसन ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है। जेसन ऑब्जेक्ट कैसा होता है? इस तरह का है ना, इस तरह का अपने को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए अपने पास एक मेथड है जेसन एनकोड। कौन सी मेथड है? जेसन एनकोड। जेसन एनकोड से हम क्या कर सकते हैं, एरे को हम जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा एरे है अपना? प्लेयर्स। और फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। देखो इको जेसन एनकोड, ये जो अपना एरे है कि जो सिंपल पीएचपी एरे है उसको हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, जेसन एरे में, और फिर उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आउटपुट क्या होता है। देखो ये उसका आउटपुट,
आप ठीक से देखो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ पे शुरू में स्क्वायर ब्रैकेट है, एंड में वो ख़त्म हो रहा है, और फिर हर रो के लिए यहाँ पे आप देखो कर्ली ब्रैकेट्स में आईडी 101 कोमा पी नेम सचिन, पी मैचेस 335, पी रन्स 1000। वो एक्चुअली क्या हो गया, ये इसी तरह का आउटपुट जनरेट हो गया। देखो ऐसा ही आउटपुट वहाँ पे है, यहाँ पे केवल नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हुआ है, अदरवाइज दोनों चीज़ सेम है। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि एरे, और उसके अंदर हर एलिमेंट एक जेसन ऑब्जेक्ट है, ऐसा होता है जेसन ऑब्जेक्ट। और वहीं देखो अपना आउटपुट भी ऐसा ही है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम वैल्यू की पेयर। तो ये सारे अभी जेसन ऑब्जेक्ट्स बन गए, जितनी रोज है अपनी प्लेयर्स की, उन सभी प्लेयर्स के यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट बन गए और वो एक एरे के अंदर स्टोर हो गए। तो ये क्या हुआ कि ये जो वेब सर्विस हमने बनाई players.php, वो अपने को क्या दिखा रही है, वो अपने को क्या दे रही है, वो अपने को एक जेसन एरे दे रही है। ठीक है, क्या दे रही है अपने को, वो जेसन एरे। तो अब इस वेब सर्विस को हम अपने एंड्रॉयड के कोड से यूज करेंगे, एंड्रॉयड के कोड से हम इसको कॉल करेंगे, कॉल करेंगे तो ये अपने को ये आउटपुट देगी। ठीक है, यहां तक के डिस्कशन में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। नो सर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में हम एक नई एक्टिविटी ऐड करवाएंगे। प्लेयर्स एक्टिविटी, और फिर जो उसका लेयर है वहाँ जो लेआउट मैनेजर हम यूज कर रहे हैं, रिलेटिव लेआउट रख देते हैं वहाँ पे, रिलेटिव लेआउट, और इसके अंदर आईडी भी उसका देंगे हम, जेसन टेक्स्ट, ऐसा आईडी देते हैं जेसन टेक्स्ट, सेंटर इन पेरेंट करते हैं थ्रू, टेक्स्ट साइज उसकी सेट करते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट वहां पे रखते हैं डेटा, ठीक है, ये अपना टेक्स्ट व्यू सेंटर में रख दिया। अब अपने को क्या करना है कि जब अपना ये अपनी एक्टिविटी रन हो ना, तो टेक्स्ट व्यू में वो रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए प्लेयर्स टेबल के लोकल, मतलब कि वो MySQL से। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एसिंक टास्क क्लास का, क्योंकि अपने को रिकॉर्ड्स जो लेने हैं, रिकॉर्ड्स जो फेच करवाने हैं, वो देखो ये अपनी एप्लीकेशन जो रन होगी तो वो कहाँ पे रन होगी, मोबाइल में। तो जब ये मोबाइल में रन होगी डिवाइस में, तो जो रिकॉर्ड्स इसको फेच करने हैं वो डिवाइस में नहीं है, वो इंटरनेट से आएंगे, वो नेटवर्क से आएंगे। तो हमें क्या करना होगा, एक तो डेटा कनेक्टिविटी मतलब कि इंटरनेट अवेलेबल करना होगा, इंटरनेट की परमिशन लेनी होगी, और जैसे कि हम डेटा ले रहे इंटरनेट से तो हो सकता है कि उसको थोड़ी देर भी लगे। तो ये टास्क ऐसा है कि जो टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हमें सेकेंडरी थ्रेड में रन करवाना चाहिए, डू इन बैकग्राउंड, आया समझ में। तो वो जो डेटा रीड करने का कोड है ना, वो अपने को कहाँ लिखना चाहिए, डू इन बैकग्राउंड, और डेटा रीड होने के बाद हमें उस डेटा को फिर क्लाइंट को मेन थ्रेड पर डिस्प्ले कर देना चाहिए। तो सिंपली हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऑन क्रिएट में
काम करते हैं, अपना जो डिज़ाइन है ना सेंटर इन पैरेंट में ही रखते हैं इसको, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू और टॉप मार्जिन 20, ठीक है। और ये तो दूसरे जगह पे हो गया, यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू और मार्जिन टॉप 20 डीपी। और इसके नीचे एक बटन ले लेते हैं, बटन ग्रेप कंटेंट हाइट भी ग्रेप कंटेंट, बटन का आईडी BTN शो, और बटन को रखते हैं हम जेसन टेक्स्ट के नीचे, और बटन में जो टेक्स्ट है वो रखते हैं शो। हाँ, इसको भी सेंटर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ट्रू, ठीक है। अब बटन पे क्लिक करने से वो डेटा आना चाहिए, ऐसा अपने को करना है। नीचे रख दिया बटन को, और जो मार्जिन है उसका वो रख देते हैं थोड़ा 40 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, जब बटन पे क्लिक करें तो वो रिकॉर्ड शो करना है, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए हम यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करते हैं शो, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट उसमें व्यू। और इस मेथड को कॉल करना है बटन पे क्लिक करने पे, ऑन क्लिक शो। अब देखो यहाँ पे अपने को रिकॉर्ड्स रीड करने हैं, तो हम एसिंक टास्क का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ दूसरा मेथड के अंदर, क्लास माय टास्क या फिर जेसन टास्क एक्सटेंस एसिंक टास्क, ओके। और उसमें जो पैरामीटर्स है, आर्ग्यूमेंट कुछ पास नहीं करूँगा, पब्लिश भी कुछ नहीं करूँगा, लेकिन रिटर्न हम करेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। और जब हम इस तरह का क्लास बनाते हैं तो उसमें डू इन बैकग्राउंड मेथड होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं डू इन बैकग्राउंड को, ठीक है। अब यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड के अंदर अपने को वो रीड करना है, क्या रीड करना है, रिकॉर्ड्स वेब सर्विस से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक URL का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, URL क्लास का ऑब्जेक्ट, URL इज इक्वल टू न्यू URL, और यहाँ पे हम एक URL मेंशन करेंगे, कौन सा URL, ये वाला, ये जो हमारी वेब सर्विस है ना players.php, उसको रन करवाने के लिए, जो देखो ध्यान से देखना, इसको रन करवाने के लिए जो हमने यहाँ पे URL लिखा वो URL वहाँ पे देना है, लेकिन लोकल होस्ट वहाँ पे काम नहीं करेगा मोबाइल में, तो लोकल होस्ट की जगह पे क्या लिखे, तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और वहाँ पे लिखो ip config,
आईपी कॉन्फ़िग लिखो और देखो कि आपके डिवाइस का, आपके पीसी का आईपी एड्रेस क्या है। देखो यहाँ पे मेरे पीसी का आईपी एड्रेस है 192.168.0.53, तो मुझे वो लिखना होगा। देखो चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह पे आप वो लिख कर चेक कर लो, 192.168.0.53। देखो सेम आउटपुट आया, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लो इस आईपी एड्रेस को, इस यूआरएल को, और फिर यहाँ पे उसे पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे सराउंड विथ ट्राई कैच, यहाँ हमें ये जो हम यूआरएल क्रिएट कर रहे हैं तो वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेल फॉर्म्ड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, मेल फॉर्म्ड यूआरएल एक्सेप्शन। तो मैंने वहाँ पे अल्टर एंटर प्रेस करके ये कोड मेरा ट्राई कैच में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने यूआरएल डिफाइन किया। अब यूआरएल डिफाइन करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सिंपली कि क्या करना है अपने को। फ्रॉम एंड्रॉयड डिफाइन यूआरएल टू वेब सर्विस, सबसे पहले आप डिफाइन करो यूआरएल वेब सर्विस का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूआरएल का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर आपको क्रिएट कनेक्शन टू दैट यूआरएल, सेकंड आपको एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, इस यूआरएल के लिए। फिर ऑब्टेन इनपुट स्ट्रीम फॉर रीडिंग फ्रॉम द कनेक्शन। अब हमने कनेक्शन उस यूआरएल के साथ एस्टेब्लिश किया, अब वो यूआरएल अपने को डेटा देगा। इको में जो लिखा है ना हमने, इको में, यहाँ पे हमने इको में जो लिखा है वो रिजल्ट दे रहा है ना ये पेज, तो वो रिजल्ट अपने को मिलेगा इनपुट स्ट्रीम के जरिए, हमें उसको पास करना होगा पार्स। तो पार्स करने के लिए पहले हम ऑप्टेन करेंगे इनपुट स्ट्रीम इस कनेक्शन के जरिए, कनेक्शन डॉट ओपन इनपुट स्ट्रीम, और फिर इस इनपुट स्ट्रीम से रीड करने के लिए हम करेंगे उपयोग बफर्ड रीडर का, बफर्ड रीडर रीड यूजिंग बफर्ड रीडर, ठीक है। तो इतना करना है अपने को, यूआरएल ऑब्जेक्ट बनाना है, हमने यूआरएल बनाया, उसके बाद क्या करना है अपने को, एचटीटीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन, कनेक्शन इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे, कास्टिंग करना पड़ेगा एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन, और ये जो अपना है ना URL कनेक्शन डॉट ओपन, सॉरी URL डॉट गेट HTTP URL कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन डॉट get URL क्लास कौन सा है, URL डॉट स्मॉल URL डॉट कहाँ गया, अच्छा इसको हम पहले तो इस लाइन को ट्राई ब्लॉक के अंदर ही ले लेते हैं, ठीक है। get कनेक्शन, एक मिनट में मेथड देख लेता हूँ वहाँ पे, URL डॉट ओपन कनेक्शन, हाँ URL डॉट ओपन कनेक्शन, ओके। यहाँ पे अपने को कॉल करना है मेथड URL डॉट ओपन कनेक्शन, और ये जो मेथड है ना URL डॉट ओपन कनेक्शन, ये अपने को रिटर्न देती है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट।
बट हमें चाहिए HTTP URL कनेक्शन, तो हमने यहाँ पे क्या किया, टाइप कास्टिंग किया। अब ये मेथड भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, तो इसके लिए भी हमें कैच ब्लॉक ऐड करना होगा। देखो यहाँ पे एक कैच ब्लॉक हमने ऐड कर दिया आयो एक्सेप्शन वाला। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद हमें उसमें से रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए। इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब ये कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे इस वेब सर्विस के साथ, उसमें से रीड करने के लिए हमें इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए। वो हम रिट्रीव कर सकते हैं गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड के जरिए, तो वो हमने किया। अब इस इनपुट स्ट्रीम में से रीड करने के लिए हम यूज करेंगे बफर रीडर का। रीडर इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रीम डॉट गेट, इनपुट स्ट्रीम डॉट, सॉरी, बफर रीडर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और उसमें रेफरेंस पास करेंगे इनपुट स्ट्रीम का, ठीक है, इस तरह से। अब ये मेथड भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, ठीक है। स्प्लिट इनटू डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट्स अराउंड विद ट्राई कैच विद रिसोर्स ब्लॉक न्यू बफर रीडर इनपुट स्ट्रीम रिक्वायर्ड टाइप रीडर प्रोवाइडेड इनपुट स्ट्रीम न्यू बफर रीडर, और यहाँ पे बफर रीडर इनपुट स्ट्रीम रीडर। अच्छा, हमने ये बाइट स्ट्रीम का क्लास पास कर दिया है यहाँ पे। इनपुट स्ट्रीम रीडर ब्रिज क्लास यूज करना है, ठीक है, ब्रिज क्लास इनपुट स्ट्रीम टाइप टू इनपुट स्ट्रीम रीडर। यहाँ पे काम करते हैं कि न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और वहाँ पे कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। हाँ, डायरेक्टली हमने यहाँ पे बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट बनाया रीडर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, और फिर उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दी इनपुट स्ट्रीम रीडर। शायद आपको याद होगा कि इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है जावा में दो तरह की स्ट्रीम्स होती है, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। तो रीडर क्लास जो है रीडर वो कैरेक्टर स्ट्रीम का क्लास है, और इनपुट स्ट्रीम है वो बाइट स्ट्रीम का क्लास है। तो अगर आपके पास एक प्रकार की स्ट्रीम है उसमें से दूसरे प्रकार की स्ट्रीम में डेटा को रीड करना है तो ब्रिज क्लासेस का आप यूज कर सकते हो, ब्रिज स्ट्रीम। तो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर देखो वो ब्रिज क्लास है, उसी तरह से आउटपुट स्ट्रीम राइटर है। इसका नाम देखो, इसके नाम में दोनों चीज आती है, इनपुट स्ट्रीम मतलब कि बाइट क्लास आता है, और रीडर मतलब कि वो कैरेक्टर स्ट्रीम का क्लास है वो भी आता है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। और हमने इसको रेफरेंस किसका दिया, इनपुट स्ट्रीम का, मतलब बाइट स्ट्रीम में से हम रीड कर रहे हैं और उसको एज ए कैरेक्टर हम हैंडल कर रहे हैं। अब देखो हमें ये बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट मिला है उसके जरिए, इस रीडर के जरिए हम उस डेटा को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, और एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जेसन डेटा रीड करने के लिए। अब हम व्हाइल लूप चलाएंगे कि अब देखो ये रीडर जो है वो अपना कनेक्ट हो गया है उस डेटा के साथ, हम बारी बारी उसमें से डेटा को रीड कर सकते हैं। हमें अगर सभी डेटा रीड करना है तो हम यहाँ पे व्हाइल लूप चलाएंगे, व्हाइल जेसन इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन इज नॉट इक्वल टू नल, व्हाइल जेसन, यहाँ पे एक ब्रैकेट खत्म होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कम, ठीक है।
वाइल जेसन इक्वल टू रीडर डॉट रीड लाइन इज नॉट इक्वल टू नल, तो जब तक नल मतलब कि एंड ऑफ फाइल नहीं आएगा तब तक, एंड ऑफ लाइन नहीं आएगा तब तक ये रीड करेगा, और एक एक लाइन किस में आती जाएगी, इस जेसन में, और हम वो अपेंड करते जाएंगे अपने स्ट्रिंग बफर में, स्ट्रिंग बिल्डर में, अपेंड जेसन, ठीक है। तो ये वाइल लूप कितनी बार चलेगी, जितनी जब तक एंड ऑफ लाइन नहीं आती तब तक। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये पूरा डेटा रीड होगा और फिर किस में फाइनली वो स्टोर हो जाएगा, एसबी में। एसबी मतलब कि स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट। और ये पूरा कार्य खत्म होने के बाद, ये वाइल लूप खत्म होने के बाद, मतलब पूरा डेटा जब रीड हो गया तो फाइनली हम उस पूरे डेटा को जो हमने स्टोर कर दिया है एसबी के अंदर, उसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, रिटर्न एसबी डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्यों किया, क्योंकि अपनी रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो हमने वो पूरा डेटा रीड किया और फिर हमने उस पूरे डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करवाया। अब यहाँ से जो हम रिटर्न कर रहे हैं डू इन बैकग्राउंड से, जब हम रिटर्न करते हैं तो वो अपने को मिलता कहाँ पे है, वो अपने को मिलता है पोस्ट एग्जीक्यूट में, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे आ गया एस, ये एस जो यहाँ पे है उसमें क्या होगा, हमने जो रिटर्न करवाया है वो, और वो अपने को डिस्प्ले कहाँ पे करना है, डिस्प्ले करना है अपने को टेक्स्ट व्यू में, इस टेक्स्ट व्यू में। तो अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू टीवी, टीवी इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट जेसन टेक्स्ट, ठीक है। क्या नाम है इसका, टीवी। अब ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में हम क्या करेंगे, टीवी डॉट सेट टेक्स्ट जेसन डेटा, और फिर बाजू में कनकेट कर देंगे एस। एस मतलब कि ये डेटा जो अपने को मिला है, ठीक है। सिंपली हम इतना कर रहे हैं। चलो अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं, इसको रन करवा के चेक करते हैं। तो ये जो अपना यूआरएल है ना, वो यूआरएल क्या है, वो वेब सर्विस है, ठीक है। हाँ एक मिनट, अब जब क्लाइंट बटन को क्लिक करेगा, क्लाइंट जब इस बटन को क्लिक करेगा तो ये शो मेथड अपनी कॉल होगी, और शो में हमने ये पूरा कोड लिखा है, ठीक है, क्लास को डिफाइन किया। अब हमने देखो एसिंक टास्क क्लास को यहाँ पे डिफाइन किया, कौन से नाम से, जेसन टास्क। उसे रन करवाने के लिए भी हमें कुछ यहाँ पे लिखना होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा पहले, टास्क इक्वल टू न्यू जेसन टास्क, और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाना होगा इस तरह से। जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो डू इन बैकग्राउंड मेथड रन होगी, जो सेकेंडरी थ्रेड में काम करेगी, पूरा डेटा रीड करेगी, और वो पूरा डेटा रीड हो जाने के बाद अगेन मेन थ्रेड में आकर वो टेक्स्ट व्यू पे डेटा डिस्प्ले करेगी। तो इस एक्टिविटी का नाम जो है वो है प्लेयर्स एक्टिविटी। तो मैनिफेस्ट फाइल में जाकर मैं इसे लॉन्चर बनाता हूँ, किसे, प्लेयर्स एक्टिविटी को। देखो थोड़ा थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा शुरू में, एक बात आप कर लेना कि इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपकी एप्लीकेशन में आपको ये परमिशन ऐड करनी है, इंटरनेट, आपकी एप्लीकेशन में इंटरनेट परमिशन ऐड करनी है, और ये चीज़।
यूजिस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक ट्रू करना है। एप्लीकेशन का एट्रीब्यूट, आपकी एप्लीकेशन टैग का एट्रीब्यूट यूजिस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक, उसको ट्रू करना है, तभी ये कोड आपका रन होगा। ये परमिशन और ये चीज़ अगर दोनों नहीं होगी तो रन नहीं होगा। देखो यहाँ पे अपनी एक्टिविटी का आउटपुट आ चुका है। अब बटन पे क्लिक करते हैं, शो पे क्लिक किया है मैंने, और देखो थोड़ी देर के बाद डेटा आया, क्योंकि ये डेटा कहाँ से आया, वो नेटवर्क से आया। डेटा कहाँ से आया, वो नेटवर्क से आया, तो थोड़ी देर लगती है, इसीलिए हम इसको एसिंक टास्क सेकेंडरी में रन करवाते हैं, सेकेंडरी थ्रेड में। देखो वो पूरा डेटा आ गया है ना, एज ए जेसन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ से हमने सेंड क्या किया, अपनी वेब सर्विस से हमने जो सेंड किया है वो क्या है, इको क्या करवाया हमने, जेसन का ऑब्जेक्ट, जिसमें जो खुद एक एरे है ना, इसका आउटपुट भी हमने देखा, सी इस तरह का। So, has anybody any doubt, friends? कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेटा अभी हमने डिस्प्ले किया, एक्चुअली अगर हम इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करते हैं तो ये तो किसी काम का नहीं है ना। हमें एक लिस्ट व्यू रखना है और उसमें इन प्लेयर्स के नेम रखने हैं, मतलब कि प्रॉपरली रीड करना है इन जेसन ऑब्जेक्ट्स को। ये जो पूरा जेसन एरे मिला है अपने को, जिसमें काफ़ी सारे जेसन ऑब्जेक्ट्स है, उनको एक्सेस करके उसमें से जो नेम है उसे रीड करके यहाँ पे रखना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे पता है? हाँ, ये जो अपनी शो मेथड है ना, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरी एज इट इज, और फिर यहाँ पे पेस्ट कराऊँ, और अब उसको मैं नाम देता हूँ शो वन। ठीक है, शो वन मैंने नाम दे दिया। अपने लेआउट पे इस टेक्स्ट व्यू के नीचे एक लिस्ट व्यू रखता हूं मैं, उसका आईडी जेसन लिस्ट करता हूं। बिलो जेसन टेक्स्ट, ये अपना लिस्ट व्यू। ठीक है, अब इस लिस्ट व्यू में डेटा रखना है। तो लिस्ट व्यू को भी रिट्रीव करना होगा अपने को कोड में, यहां पे लिस्ट व्यू। देखो लिस्ट व्यू हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, उसमें डेटा जो है वो कर्सर एडेप्टर या एरे एडेप्टर से आ सकता है ना। तो हम यहाँ पे जो नेम्स अपने को डिस्प्ले करना है ना, उसका एरे बनाएंगे, लिस्ट व्यू का रेफरेंस लेंगे, लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट जेसन लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा अपने को चाहिए ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में, अब देखो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में जो डेटा अपने को मिल रहा है ये एस, वो पूरा एरे है। तो उस एरे को प्रॉपरली लिस्ट व्यू में शो करवाने के लिए यहाँ से मैं इस लाइन को कमेंट दे देता हूँ, और एक मेथड यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वर्ड लोड
लिस्ट व्यू, और वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग। और यहाँ से ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में से जो डेटा अपने को मिल रहा है वेब सर्विस से, उसको मैं पास कर देता हूँ इस लोड लिस्ट व्यू में। अब अपने को पता है कि ये जो एस है ना, एस वो क्या है, वो पूरा एक जेसन एरे है। तो अब मैं इस लोड लिस्ट व्यू में क्या करूँगा, जेसन एरे का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जेसन एरे का ऑब्जेक्ट, जेसन एरे इज इक्वल टू न्यू जेसन एरे और ब्रैकेट में एस, या यहाँ पे सॉरी जेसन एरे न्यू जेसन एरे, या गेट जेसन एरे, एक बार देख लेते हैं। जेसन एरे न्यू जेसन एरे, और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट तो स्ट्रिंग पास की है ना, तो स्ट्रिंग हमने तो पास किया तो मना कर रहा है। अच्छा ये कैच ब्लॉक लिखने का कह रहा है ना, हाँ एड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर throws json exception, देखो यहाँ पे आ गया throws json exception। तो ये क्या हुआ कि जो अपने को एलिमेंट यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है ना, वो json array है। तो हमने यहाँ पे देखो json array क्लास है यहाँ पे एंड्रॉयड SDK में, तो हमने एक json array का ऑब्जेक्ट एस्टेब्लिश किया उस डेटा के ऊपर से जो अपने को मिला है, क्योंकि तो अपने को पता है कि वो json ऑब्जेक्ट है। वेब सर्विस ने जो डेटा इको किया है वो क्या है, वो वेब सर्विस है। अब हम एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं, क्योंकि अपने को लिस्ट व्यू में जो डेटा लेना है वो एक सोर्स से लेना है, एक एरे सोर्स से। तो अपना एक सिंपल सा जो एरे होता है वो हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग एरे नेम्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसकी साइज कितनी रखेंगे, इस एरे की जितनी साइज है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट है उसमें उतनी। जेसन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब एक लूप चलाएंगे हम, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन जेसन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब ये लूप कितनी बार चलेगी, ये लूप चलेगी उतनी बार जितने ऑब्जेक्ट्स है इस एरे में। अब देखो इस एरे में कितने ऑब्जेक्ट्स है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, देर आर नाइन ऑब्जेक्ट्स इन दिस एरे, ठीक है। और ये हर ऑब्जेक्ट इस एरे का हर एलिमेंट, कोई सामान्य एलिमेंट नहीं है, कोई सामान्य डेटा नहीं है, वो खुद एक जेसन ऑब्जेक्ट है। देखो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये क्या है, ये जेसन ऑब्जेक्ट है और ये इस एरे का एलिमेंट है। इसका मतलब कि इस एरे का हर एलिमेंट एक जेसन ऑब्जेक्ट है, इस एरे का हर एलिमेंट एक जेसन ऑब्जेक्ट है, कोई सामान्य स्ट्रिंग नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अब ये लूप चलाई हमने एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, अब हर एलिमेंट खुद एक जेसन ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल टू जेसन एरे डॉट गेट, और फिर इंडेक्स पास करना है आई। तो ये अपने को क्या मिला, ये अपने को इंडेक्स आई से, इंडेक्स आई पे जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो मिला अपने को इस वेरिएबल में। अब यहाँ पे भी ट्राई ब्लॉक अपने को क्या कर रहा है, कास्ट टू जेसन माइग्रेट जेसन ऑब्जेक्ट टाइप टू ऑब्जेक्ट चेंज वेरिएबल जेसन ऑब्जेक्ट टू कास्ट टू जेसन। हेलो, हाँ सर, दीपक सर, जेसन एरे, एम आई ऑडिबल, यस ऑडिबल, जेसन एरे जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जेसन एरे डॉट गेट आई,
json object is equal to json array dot get. okay यहाँ पे get json object method call करनी होगी. get method नहीं चलेगी वहाँ पे. json array dot get json object और उसमें argument index. तो जितनी बार loop चलेगी हर बार हर एलिमेंट की जो खुद एक जेसन ऑब्जेक्ट है वो रिट्रीव करके हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. तो क्या होगा, पहली बार जब लूप चलेगी तो पहली बार अपने को क्या मिलेगा पता है, ये चीज़ मिलेगी कर्ली ब्रैकेट से लेकर ये कर्ली ब्रैकेट तक. अब अपने को उसमें से क्या चाहिए, ये पी नेम. अपने को उसमें से चाहिए एक एलिमेंट पी नेम, एक एट्रीब्यूट उसका. तो वो हमें लेकर किसमें स्टोर करना है, अपने स्ट्रिंग एरे में. नेम्स ऑफ आई इक्वल टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग, उसका नाम क्या है, पी नेम. ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगी, जितने जेसन ऑब्जेक्ट से मतलब कि जितने रिकॉर्ड से उतनी बार लूप चलेगी. और हर ऑब्जेक्ट से जो पी नेम है प्लेयर का नेम, पी नेम एक्चुअली क्या है पता है ना, पी नेम वो अपना कॉलम का नाम है पी नेम. तो वो हर रिकॉर्ड से जो पी नेम है प्लेयर नेम वो अपने इस एरे में आ जाएगा. और फाइनली ये लूप खत्म होने के बाद जो एरे है उसमें सभी प्लेयर्स के नाम जाएंगे. तो अब हम बनाएंगे एरे एडेप्टर. स्ट्रिंग adapter equal to new array adapter, उसमें पहली argument get application context, दूसरी argument होगी अपनी layout. तो वो वहाँ पर क्या लिखेंगे, android dot layout r android dot r main layout dot. यहाँ पे हम इंटरनल रिसोर्स के लिए क्या लिखते हैं, layout सिंपल लिस्ट आइटम एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम वन. और तीसरी आर्ग्यूमेंट सोर्स मतलब कि एरे. एरे का नाम हमने दिया है नेम्स. नेम्स तो ये अपना एरे एडेप्टर अभी ऐसा हो गया कि जिसमें सभी प्लेयर्स के नेम है. बस अपने को बस लिस्ट व्यू में उसको सेट करना, सेट एडेप्टर दिस एडेप्टर. ठीक है, और ये सारा कोड हमने लिखा है लोड लिस्ट व्यू मेथड के अंदर. और इस मेथड को हमने कॉल कहाँ से करवाया है, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में से. तो यहाँ पे शायद हमें एक्सेप्शन हाँ कैच करवानी होगी, जेसन एक्सेप्शन. ठीक है, तो ये मेथड है अपनी शो वन जिसमें हमने लिस्ट में डिस्प्ले करवाया है डेटा. तो अपने को लेआउट में जाके बटन में ऑन क्लिक में जहाँ पे शो है वहाँ पे शो वन कर देना है, क्योंकि अब हमने अपनी मेथड कॉल करवानी है इसलिए. ग्रुप वाली में जाके ठीक है, एक्टिविटी अब हम क्लिक करते हैं शो पे. देखो ये सारे रिकॉर्ड्स अपने लिस्ट व्यू में आ गए, मतलब नेम आ गए सबके. है सिंपल सा कोडिंग, थोड़ा समझ के करते हो अगर. जावा का कॉन्सेप्ट, वेब सर्विस का कॉन्सेप्ट, पीएचपी का कॉन्सेप्ट. तो देखो
थोड़ा डिफिकल्ट लगता है शुरू में, क्योंकि ये सभी ऐसी चीज़ें ऐसे नाम है कि जो फैमिलियर नहीं है हम उनसे, लेकिन एक दो दिन के लिए, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। प्रैक्टिस की तो हम मास्टर हो जाएंगे इसके, है ना। तो ये था हम डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे डेटा को यहाँ से कैसे वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, वेब सर्विस उसके लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो है किसी को कुछ डाउट फ्रेंड्स इस सेशन में, डिस्कशन में जो भी हमने देखा डिस्कस किया?